रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा है, अंधेरा होना शुरू हो रहा है, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो वो कितनी भी बजे है, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? प्रदोष की पूजन कौन ने करी? अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। चलो एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते बिंद पर्वत पर आ गए। नारद जी का तो काम तुम सबको मालूम ही है।